दीप प्रज्वलित कर आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय परिवहन मंत्री जी और अन्य अतिथिगण, यार ये आपका गिर रहा है, कृपया ताली बजाकर इस कार्यक्रम के शुभारंभ का स्वागत करें। रेखा जी को, रेखा जी धन्यवाद मंत्री जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि कृपया अपने संबोधन से हमारे चालकों का उत्साहवर्धन करने का कष्ट करें। मंत्री जी प्लीज। सभी को नमस्कार, और सबसे पहले तो लोहड़ी और मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज जिस प्रोग्राम के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, रोड सेफ्टी या सड़क सुरक्षा का जो टॉपिक है, और मंच पर जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौजूद हैं या शिल्पा शिंदे स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और NTDTC MD डेम्स और DCP साहब SK सिंह जी और तमाम यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट DTC और डेम्स के जो ऑफिसर मौजूद हैं और सभी हमारे जो चालक भाई और एक महिला ड्राइवर रेखा जी यहाँ उपस्थित हैं, सभी को एक बार फिर दोबारा नमस्कार। और देखिए, टॉपिक मैंने बार बार ये कहा है कि रोड सेफ्टी, वैसे तो हर दिन जब भी हम घर से निकलते हैं, और सिर्फ हमारे बसों के ड्राइवर ही नहीं, लेकिन हर एक ड्राइवर, जो भी चालक है, जो भी गाड़ी लेके सड़क पे निकलता है, तो उसको हर दिन और हर मिनट जो है वो रोड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, अपना भी ध्यान रखना चाहिए, और जो सड़क पे और जो लोग चल रहे हैं, चाहे वो साइकिल वाला है चाहे स्कूटर वाला है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और हर साल, बल्कि हम अभी भी जब बात कर रहे हैं, तो पता नहीं कितने लोग जो हैं वो एक्सीडेंट के कारण, चाहे वो लापरवाही है, चाहे रोड का डिज़ाइन गलत है, चाहे व्हीकल में कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई घायल हो रहा है, और पता नहीं कितने लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि स्पेशली जो हमारे बसों के ड्राइवर हैं, आज यहाँ सिर्फ क्लस्टर बसों के ड्राइवर मैं देख रहा हूँ, और जैसा कि कमिश्नर साहब ने भी कहा कि दिल्ली के सड़कों पे 12 मीटर लंबी गाड़ी चलाना कोई मजाक नहीं है, कोई आसान चीज़ नहीं है, ये चीज़ मैं भी समझ रहा हूँ, और हमारे जितने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और जो पुलिस विभाग में भी हैं, वो ये चीज़ समझ रहे हैं, और काफ़ी कारण हैं कि ड्राइवर जो है वो, चाहे वो जल्दी में हैं, चाहे लेफ्ट में चलना है, लेकिन लेफ्ट में कोई ना कोई अगर वाहन खड़ा है, अगर कोई इंक्रोचमेंट किसी भी कारण से है, तो लेफ्ट में जो बस है वो लेफ्ट में नहीं चल पा रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अप्रैल में लेन एनफोर्समेंट का बहुत बड़े पैमाने पे ये मुहिम हमने छेड़ी, ताकि कम से कम
पब्लिक है और जो दिल्ली के लोग हैं उनको भी ये पता चले कि भी बस की सही चलने की स्थान जो है वो लेफ्ट में है, क्योंकि अगर बस राइट में चल रही है तो पहले तो जो दूसरा ट्रैफिक है वो उनको भी जगह नहीं मिल रही, दूसरा हमारे जितने भी बस क्यू शेल्टर हैं जितने स्टॉप हैं वो तो है ही लेफ्ट में, तो इसका मतलब राइट से लेके फिर दोबारा गाड़ी आपको लेफ्ट में लेके जानी है। तो इसीलिए पूरी हमारे डिपार्टमेंट को भी, हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं चाहे वो DTC के हैं चाहे DIMS के हैं, उनको भी सेंसिटाइज करने के लिए और उनको ये बार बार ये समझाने के लिए कि भाई बस का जो स्थान है वो लेफ्ट लेन है। तो मेरा सबसे पहले तो आपसे यही अनुरोध है कि जो हमने इतने बड़े अप्रैल से लेकर लगातार आज जनवरी 2023 है और अभी भी हमारे जितने भी एनफोर्समेंट व्हीकल्स हैं और DTC के जो और टीम्स हैं लगातार उस चीज़ को एनफोर्स कर रहे हैं और बार बार हम ये कह रहे हैं कि भाई बसों के स्थान जो है वो लेफ्ट में है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं भी जब सड़क पे चलता हूँ और ऑफिस के लिए किसी और प्रोग्राम के लिए तो लगातार मेरी नज़र जो है बसों पे रहती है कि भाई हमारे ड्राइवर जो है वो किस प्रकार से चल रहे हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट है लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। मेरी इस मंच के द्वारा मेरा ये विनती है और आदेश भी है कि जब सड़क खाली है तभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ड्राइवर जो है वो राइट में चल रहे हैं, भाई इस चीज़ को सुधारने की बहुत मतलब आवश्यकता है, क्योंकि आज के दिन कोई ड्राइवर ये नहीं कह सकता जी मुझे पता नहीं था। तो मेरा ये अनुरोध है कि जब लेफ्ट लेन क्लियर है आपकी जहाँ कोई अड़चन नहीं है तो तब तो उस ड्राइवर को लेफ्ट में ही चलना चाहिए, और काफ़ी ड्राइवर्स के मुझे जो पता चला है कि वो चलान भी हुए हैं और चलान भी काफ़ी बड़ा है और प्रोसिक्यूशन भी है और फिर उसको दोबारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कुछ दिन के लिए क्लास भी करनी पड़ती है। तो मेरा आज स्पेशली जो ये 1 वीक का है रोड सेफ्टी का, इसमें एक बार फिर दोबारा हम ये प्रण लें और ये इसको बिल्कुल हम पक्का करें कि जो अगर रोड बिल्कुल खाली है और लेफ्ट लेन में कोई अड़चन नहीं है तो तब तो ड्राइवर के पास भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। दूसरा, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में ड्राइवर्स हैं, मेरा आप सभी से ये अनुरोध भी है कि बस को आप बस स्टॉप के बिल्कुल पास रोकें, जो बस क्यू शेल्टर का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब आप बस को बिल्कुल सपोज बीच में 2 मीटर 3 मीटर की जगह है तो आप ये सोचिए कि उस पैसेंजर को यात्री को आप सड़क के बीच में उतार दे रहे हैं, और अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है और उस जो पीछे से चाहे वो 2-व्हीलर ही क्यों ना है चाहे स्कूटर क्यों ना है और अगर उसका अगर ध्यान नहीं है तो एक्सीडेंट जो है वो उसके चांसेस इतने बढ़ जाते हैं और जो यात्री है उसको चोट तो 100% लगनी है। फिर तो मेरा आप सभी से, आप से मेरा मतलब जितने यहाँ ड्राइवर मौजूद हैं चालक भाई और जितने यहाँ पर नहीं है उनको आप ये संदेश जरूर देना कि आपने बस तो रोकनी है, ऐसा तो है नहीं कि आप चलती हुई गाड़ी से आप यात्री को उतार देंगे, तो बस तो आपने रोकनी है। लेकिन अगर आप उसको अपना हैबिट बना लेंगे कि बस क्यू शेल्टर का जो प्लेटफॉर्म है उसके बिल्कुल साथ में, और अब तो इतनी बढ़िया इतनी सुंदर बसें हमारी दिल्ली की हैं, मेरे ख्याल से अगर आप बाहर लंदन जाओ या पेरिस जाओ तो ऐसी हमारी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें वहाँ चल रही हैं। पहले जब मैं कभी बाहर जाता था या हमारे को जानकर मिलते थे तो वो कहते थे यार इतनी बढ़िया बसें वहाँ चल रही हैं हमारे दिल्ली में क्यों नहीं है। अब तो जो हमारी बसें आ रही हैं स्पेशली अब और इलेक्ट्रिक बसें जो आ रही हैं, जो लो फ्लोर बसें चल रही हैं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में आप अगर बाहर जाएं तो जो क्वालिटी उन बसेस की है वही क्वालिटी आप हमारे आप लोग उन बसेस को चला रहे हैं। तो हम कितनी अच्छी बसें ले लें, कितनी सुंदर बसें ले लें, कितनी कंफर्टेबल बसें ले लें, और ये चीज़ भी मैंने बार बार कही है, अगर हम चाहे कितनी बढ़िया बस ले लें लेकिन अगर वो बसें हमारी दिल्ली की सड़कों पे अगर बढ़िया तरीके से नहीं चल रही हैं तो मेरे ख्याल से हम कहीं ना कहीं मतलब चूक हो रही है, हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। मैं एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आई विल फेल, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी ही विल फेल एज अ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है फिर। इतना हम मेहनत कर रहे हैं अगर और इतनी बढ़िया बसें हम पूरी एयर कंडीशन, अभी मैं हरियाणा की तरफ बाडसा जो एम सज्जर है वहाँ के लिए बस हमने चालू की तो नजफ़गढ़ से लेके फिर लोगों ने रिक्वेस्ट किया जी आप भी बस में हमारे साथ चलें वहाँ पे,
तो मैं नजरगढ़ से लेके फिर वहाँ एम रिजर्व तक इलेक्ट्रिक बस में बैठ के गया खुद और लोगों के साथ। आप यकीन कीजिए बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप बस में चल रहे हैं। और एक यात्री ने ही कहा था, मुझे आज भी चीज़ याद है, एक महिला यात्री ने जब इलेक्ट्रिक बस बिल्कुल हमने लॉन्च की थी तो मैंने पूछा बहन जी कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा जी वैसा लग रहा है जैसे मेट्रो सड़क पे चल रही है। तो मेट्रो का वही बिल्कुल जो एक कंफर्ट है और जो एक आरामदायक हमारी जो बसें हैं। लेकिन मेरा आपसे आज के मेरे इस प्रोग्राम में आने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं जितने हमारे चालक भाई यहाँ पे हैं और एक महिला चालक बहन भी हैं, मैं आप लोगों से स्पेशली मिलने आया हूँ ताकि मैं अपना संदेश आपके द्वारा और जितने हमारे हज़ारों ड्राइवर्स हैं उन तक ये पहुँचा सकूँ। अब आपका काम, मैं तो फिर कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम है। दिल्ली जैसी जगह जहाँ इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक है और अलग अलग तरह का व्हीकल्स हैं हमारे, मतलब रिक्शा से लेके, ई रिक्शा से लेके और कहीं कहीं तो और भी जो व्हीकल हैं वो भी हैं, बड़ा व्हीकल भी है, छोटा व्हीकल है, आसान काम नहीं है। और जो ट्रांसपोर्ट कमीशन साहब ने मेंशन किया, इसीलिए मैंने पिछली कुछ मीटिंग्स में बार बार ये कहा है कि भाई जो बढ़िया ड्राइवर्स हैं और जो बढ़िया कंडक्टर्स हैं उनको हमें किसी न किसी तरीके से कोई इनाम ज़रूर देना चाहिए कि इतनी मुश्किल के बावजूद वो इतनी बढ़िया तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं। लास्ट चीज़ जो रोड सेफ्टी से बहुत अच्छे तरीके से जो बिल्कुल जुड़ी है, मेरे ख्याल से अगर हम कोई भी एक्सीडेंट जो, हालांकि पिछले कुछ महीनों में आई थिंक हमारे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें कुछ गिरावट आई है, कमी आई है, कम हुए हैं, लेकिन मेन जो कारण मुझे कभी कभी देखने मिल रहा है कि जो स्पीड का इशू है। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, मुझे मालूम है आपको अपना ट्रिप पूरा करना है और ट्रिप जब पूरा नहीं होता है तो फिर उसके, और मैं समझ रहा हूँ, और ट्रिप पूरा करने की सबको इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि भाई आपने अपना ट्रिप जो है वो पूरा करना है, और कहीं ना कहीं जल्दीबाजी का कारण भी वही बनता है कि भाई कहीं भीड़ मिल गई ज़्यादा, जहाँ आप सोच रहे थे 5 मिनट में निकल जाएंगे वहाँ आपको लग गया आधा घंटा, अब उसको कैसे कवर करें। और ट्रिप जब पूरा नहीं होता है तो फिर मेरे ख्याल से डिपो मैनेजर, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए हैं। लेकिन फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि स्पीड का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर स्पीड आपकी जो भी लिमिट है अगर आप उसमें हैं, तो अगर सपोज आपका ध्यान भी कहीं और है तो स्पीड कम है तो बात समझ जाएगी। अगर दूसरा, सिर्फ आपकी गलती नहीं, अगर दूसरा वाहन भी या दूसरा कोई अगर पेडेस्ट्रियन है, कोई सड़क पे चल रहा है, अगर उसने गलती कर दी तो उसकी गलती को भी बचाने का काम आप ही का है, क्योंकि अगर आपकी गलती भी नहीं है, बड़ा वाहन आपका है, तो पब्लिक भी यही कहेगी। और मेरे ख्याल से अंटी अनलेस उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तो मेरे ख्याल से हर एक ऑफिसर का भी यही हुआ भी गलती आपने की होगी। तो स्पीड आप बिल्कुल अपना कंट्रोल में रखिए, और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी एक बार फिर दोबारा नववर्ष की शुभकामनाएं, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की। महिला चालक एक यहाँ बैठी है, मेरी दिली तमन्ना है और पूरे दिल्ली सरकार की भी और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की भी, कि जितनी ज़्यादा महिलाएं हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी ऑफिस में या ड्राइवर के रूप में भी, हालांकि कुछ सफलता हमें डीटीसी के उसमें मिली, या पहले एक महिला थी और पिछले कुछ महीने पहले आपने पढ़ा होगा कि 11 महिलाएं ऑलरेडी डीटीसी में चला रही हैं, और आज भी एक अच्छा दिन है क्योंकि 13 फीमेल ड्राइवर्स को, महिला चालक को, हम अभी अपॉइंटमेंट लेटर अभी बस इस प्रोग्राम के बाद वहीं जा रहे हैं, तो 11 और 13 मतलब कितने हो गए, तो 24 के आसपास जो हैं वो महिला चालक हमारी उसमें होगी। मैं डिम्स एमडी यहाँ पर बैठे हैं, इनका भी डिम्स का भी काफ़ी योगदान रहा, लेकिन इसको और हम अगर थोड़ा स्पीड अप करें ताकि और महिलाएं जो हैं वो हमारी जो बसें जो हैं वो एज अ ड्राइवर के रूप में चलाएं, ताकि वो महिला चालक भी हमारे पूरे उसमें कंधे से कंधा मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने।
और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप बढ़िया काम करें और खुश रहें। जय हिंद। धन्यवाद परिवहन मंत्री जी।